देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में कन्वोकेशन 2022 स्कूल ऑफ सिनेमा एंड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शिक्षा और मीडिया जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ, राघवेश अस्थाना, डॉक्टर अमिताभ राजन, डॉक्टर स्नेहा समदर और डॉक्टर अजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा मन में सीखने की इच्छा को बनाकर रखना चाहिए। किसी भी संस्थान के लिए उसके छात्र ही उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि जब छात्र सफल होकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवा देते हैं तो कहीं ना कहीं उस संस्थान को भी उनकी सफलता के साथ याद किया जाता है। अंत में मैं सभी छात्र और छात्राओं को उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ का कहना है, जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। आप अच्छे मनुष्य बने और अच्छा मनुष्य समाज के हर क्षेत्र में अच्छा ही होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मरवाहा स्टूडियो से आज जो बच्चे जर्नलिज्म और सिनेमा में ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनका भविष्य बहुत उच्च और सुंदर है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने में ही एक मिसाल है। इसके क्रिएशन में मारवाहा दिस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लीडिंग एंड बाई लीडिंग द ओनली मीडिया यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, एंड द फुल क्रेडिट गोज टू इट्स चांसलर संदीप मारवाहा जी। बच्चों की आंखों में आज चमक है और वो देश को आगे चल के चमकाते रहें, यही मेरा उनको आशीर्वाद है। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, particularly when an outsider like me sees how students are performing and how robust and resilient the attitude of the institution is. The whole moment was an inspiring moment. It's good for the country, particularly at a time when India is going up, and it's going up on the strength of its youngsters. India doing well, yes, India is doing well, but India doing well really means that the children of India are doing well, youngsters are resilient, they are facing all sorts of crises, and country is really coming up. So it's a moment of hope, and the whole program today is situated in that light. मैं आज एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के सारे विद्यार्थियों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज हमारा सिनेमा और जर्नलिज्म के स्कूल का कन्वोकेशन था और 200 से भी ज़्यादा बच्चा आज पास आउट हुआ है, और जो खुशी का माहौल यहां बना हुआ है उसको देखकर हम लोग भी बहुत हर्षित और उल्लास के साथ यहां पे अब काम कर रहे हैं। हमें तकरीबन समझिए कि 19 साल हो गए हैं डिग्री कॉलेज चलाते हुए, जबकि AAFT जब शुरू हुआ था तो स्किल डेवलपमेंट को हम लोगों ने दिमाग में रखा था और शॉर्ट टर्म कोर्सेज से शुरुआत की थी। 3 महीने से लेकर और 1 साल के कोर्सेज तब चलते थे, लेकिन 19 साल पहले हम लोगों ने डिग्री कॉलेज शुरू किया और 3 साल और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का यहाँ से शुरुआत हुई। कल हमारा कन्वोकेशन कुछ और स्कूलों का था, आज जर्नलिज्म और सिनेमा के बच्चों को हम लोगों ने जो प्रेस्टिजियस डिप्लोमा है एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ का, उससे सम्मानित किया है। और मुझे खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमारे आज के अतिथि थे और हमारे फॉर्मर छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं जनरल KM सेठ साहब, वो मुख्य अतिथि थे और दोनों ने बेहतरीन तरीके से बच्चों को बड़े खूबसूरत ढंग से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से निकलने के बाद देश भर और दुनिया भर में नाम करेंगे और अच्छी अच्छी जगहों पर अपने कर्तव्य, अपनी होशियारी के साथ अपने कैलिबर को जो है प्रदर्शित करेंगे। और कितनी खुशी की बात तो ये भी है कि आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट
इन इस 3-4 महीने के गैप में इस वक्त इंडस्ट्री के किसी न किसी बड़े छोटे मीडिया हाउस में काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। सर, जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं, आज काफी बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ से वो खुश होकर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए कि आने वाले जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तन मन धन से काम करिए, दिल लगा के काम करिए, और छोटा हो काम बड़ा हो, लेकिन अगर आपने उसकी आपकी इंटेंशन अच्छी है और आप मेहनती हैं तो हीरे को हर कोई पहचान लेता है, और अगर इसी नियत के साथ आप काम करते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं होता कि जब आपको पोजीशन भी अच्छी मिलेगी और आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। मेरा नाम है राघवेश अस्थाना, मैं मीडिया में लगभग 32 सालों से हूँ और वर्तमान में मेरा OTT प्लेटफॉर्म है मिथुआ TV, इसके पहले कई न्यूज़ चैनल्स का अभी ग्रुप सी रह चुका हूँ। आज के कन्वोकेशन में मुझे अच्छा लगा और उत्साह से भरे हुए युवा चेहरे, उम्मीद लिए हुए, तो अपना भी कॉलेज के समय याद आ गया, और सभी बच्चे ब्रिलियंट हैं, प्रतिभाशाली हैं, इनको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, संदीप मारवा जी के लिए क्या कहेंगे, और आज आपने ऑफर भी किया है बच्चों को कि वो आके आपके यहाँ काम कर सकते हैं? संदीप मारवा जी जो है वो, मतलब इनके बारे में एग्जैक्ट शब्द ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबियाँ, इतनी ज़्यादा खासियतें इनके अंदर। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहाँ से भविष्य न जाने कितने बड़े पत्रकार, बड़े फिल्म मेकर सब निकलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शिक्षा जो है वो रोज़गार परख होनी चाहिए। अगर शिक्षा हमें रोज़गार नहीं दिलाती है तो वो शिक्षा व्यर्थ है, और मारवा जी के जितने कोर्सेज हैं सब स्पेशली डिज़ाइंड हैं कि बच्चों को बाहर आसानी से थोड़ा भी मेहनत करें तो सफलता मिलेगी मिलेगी। तो मारवा जी के इस सराहनीय प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और साथ ही सभी बच्चों को। सर, आपका 32 साल का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, फिर बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बाहर जब जाए किसी कंपनी से जुड़े, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, तो वहाँ अपना काम जमा सके, क्या कुछ आप उसे कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? देखिए, क्या है, मेरा पत्रकारिता का अनुभव जो है वो मात्र 12 साल का है, ठीक है। उसके पहले मैं फिल्म मेकर था और अभी भी हूँ, और न्यूज़ चैनल्स में मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ चेन्नई से तो मैंने पत्रकारिता सीखी। आप ही लोग के जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के रनडाउन बनाना सीखा, लेटर लिखना सीखा, पत्रकारिता मैंने सीखी यहाँ आके। और अब यह है कि एक बार आप अच्छे पोजीशन पे रहते हैं तब तेज़ी से सीखना जानते हैं जी, तो अब कह सकते हैं कि 10-12 साल से पत्रकारिता में भी हाथ आजमा लेता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क।